आज का इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल फोन से ट्रेन टिकट बुकिंग किस प्रकार करेंगे। मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन से बताऊंगा जिसमें आपको 100% कंफर्म टिकट मिल जाएगा और मान लीजिए बाय चांस कभी इसे कैंसिल भी करते हैं तो 100% आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो प्ले स्टोर से कंफर्म टिकट इस एप्लीकेशन का आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, यह बिल्कुल फ्री है। डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। नीचे देखें आपको प्रोफाइल का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको इसमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको अपने मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करना है और लॉगिन होने के बाद अब इसमें क्या करें अपना IRCTC का जो ID है वो यहाँ पे सेव करना है। तो नीचे यहाँ पे देखें लिखा हुआ है सेव IRCTC ID, यहाँ पे इस पर क्लिक करके आपको अपना IRCTC का ID जो होता है वो यहाँ पे सेव कर लेना है। उसके बाद होम पेज में आने के बाद इस तरह से इंटरफेस होगा। ऊपर देखें यहाँ पे है फ्रॉम, यानी जहाँ से आपको जाना है। जैसे मान लीजिए आपको डाल्टनगंज से रांची ट्रेवल करना है, यहाँ पे डाल्टनगंज यहाँ पे टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद नीचे आपको सर्च में डाल्टनगंज आ जाएगा, उस पर आप क्लिक कर देना है। और जैसे मान लीजिए डाल्टनगंज से मुझे रांची जाना है तो नीचे फ्रॉम है, तो फ्रॉम में टू में आपको रांची टाइप कर लेना है। तो इस तरह से आपको क्या करना है अपना स्टेशन यहाँ पे डाल ले। उसके बाद अब नीचे आता है डेट, तो यहाँ पे अगर डेट लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए आपको आज ट्रेवल करना है तो टुडे पे क्लिक करना है, कल करना है तो टुमोरो पे क्लिक करना है, या फिर किसी और भी डेट को ट्रेवल करना है तो यहाँ पे कैलेंडर का ऑप्शन है, कैलेंडर पे क्लिक करना है और आपके सामने इस तरह से कैलेंडर ओपन हो जाएगा। जिस भी डेट को आपको ट्रेवल करना है उस डेट को यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से डेट सिलेक्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, नीचे देखिए सर्च ट्रेन है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से पेज ओपन रहेगा और इस ऐप का खासियत है कि इसमें आपको फ्री कैंसिलेशन है और इसमें टिकट रिफंड का भी ऑप्शन है। उसके बाद उस डेट को जितने भी ट्रेन चलेगी वो यहाँ पे शो होगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे दो ट्रेन है और जैसे मान लीजिए आपको ये वाला ट्रेन से जाना है तो यहाँ पे नीचे देखें 2S, और अगर मान लीजिए 2 सीटिंग से जाना है तो यहाँ पे देखें 2S लिखा हुआ है, यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है और कितना सीट अवेलेबल है, यहाँ पे देखें सीट दिया हुआ है। और उसके बगल में देखें SL हो गया, यानी स्लीपर क्लास। अगर मान लीजिए स्लीपर क्लास से जाना है तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका चार्ज और यहाँ पे सीट, तो जिससे भी जाना है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखें डेट लिखा हुआ है, यहाँ पे बुक लिखा हुआ है, यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है, देखें 8 फरवरी अवेलेबल सीट और बुक यहाँ पे प्राइस, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका IRCTC का जो यूजर आईडी है वो यहाँ पे डालना है, तो मैंने पहले से यहाँ पे डाल दिया हूँ इसलिए यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। अगर नहीं आपने पहले से डाला है तो यहाँ पे अपना जो IRCTC का यूजर आईडी है वो यहाँ पे डाल लें। अगर आपको IRCTC का यूजर आईडी बनाना नहीं आता मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको इसके बारे में अलग से एक वीडियो बना के बता दूंगा। उसके बाद नीचे देखें बोर्डिंग पॉइंट है, यानी कहाँ से आपको जाना है डाल्टनगंज से, यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, यहाँ पे डेट देख सकते हैं। स्टेशन चेंज करना है तो चेंज स्टेशन पर क्लिक कर सकते हैं। पैसेंजर डिटेल नीचे आपको डालना है, यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करना है मेल फीमेल। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करने के बाद नीचे देखें फुल नेम है, यहाँ पे आपको पैसेंजर का फुल नेम डालना है। उसके बाद पैसेंजर का एज यहाँ पे डाल लेना है। एज डालने के बाद नीचे देखें लिखा बर्थ प्रेफरेंस यानी सीट, आपको सीट कैसा चाहिए तो यहाँ पे एरो है, एरो पे क्लिक करना है। अगर विंडो साइड चाहिए तो विंडो पे क्लिक करना है, या फिर आप यहाँ से क्या करें नॉन प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो जो भी सीट अवेलेबल है वो आपको मिल जाएगा। उसके नीचे नेशनलिटी है वो सिलेक्ट करके यहाँ से सेव करना है। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे आपका एक पैसेंजर यहाँ पे सेव हो जाएगा। देख सकते हैं मेरा एक पैसेंजर का डिटेल यहाँ पे सेव हो चुका है। अगर मान लीजिए आपके साथ कोई बच्चा भी ट्रेवल कर रहा है तो एड चाइल्ड है, इस पर क्लिक करके बच्चे को ऐड कर सकते हैं, और बच्चे यानी 0 से 4 साल को ऐड यहाँ से कर सकते हैं। मान लीजिए एडल्ट जा रहे हैं, 2 पैसेंजर जा रहे हैं तो एड एडल्ट है, इस पर क्लिक करके फिर से आपको यहाँ पे पैसेंजर का डिटेल डालना है। जैसे सबसे पहले यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करना है मेल फीमेल। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद नीचे आता है फुल नेम, तो आपको इस तरह से पैसेंजर डिटेल डाल लेना। फुल नेम यहाँ पे हो चुका है, नीचे एज हो चुका है तो यहाँ पे एज डाल लें। और यहाँ पे देखें बर्थ प्रेफरेंस है, अगर आप चाहते हैं कि विंडो साइड का सीट ले तो यहाँ पे एरो है, इस पर क्लिक करके यहाँ से विंडो साइड पे क्लिक करना है, या फिर नो प्रेफरेंस पे भी क्लिक कर सकते हैं। जो भी सीट अवेलेबल होगा वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद नीचे नेशनलिटी, उसके बाद सेफ। इस तरह से आपको क्या करना है पैसेंजर को ऐड करते जाना। जैसे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 पैसेंजर ऐड कर दिया है। उसके नीचे यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है ताकि आपके मोबाइल पे SMS के द्वारा टिकट आ जाए, और नीचे ईमेल आईडी यहाँ पे डालें ताकि मेल पे भी आपको टिकट सेंड कर दिया जाएगा। अब नीचे आता है पैसेंजर डेस्टिनेशन एड्रेस, आपको आप यहाँ पर डेस्टिनेशन एड्रेस यानी जहाँ पे आप जा रहे हैं उसका यहाँ पे पिन कोड डालना है। जैसे मैं रांची आ रहा हूँ, यहाँ पे रांची का पिन कोड यहाँ पे डाल लेना है। जैसे पिन कोड डालेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टेट आ जाएगा, सिटी आ जाएगा, पोस्ट ऑफिस आ जाएगा,
और नीचे आपको एड्रेस इस तरह से आ जाएगा। अगर एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो एड्रेस यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे और सिलेक्ट करेंगे तो नीचे यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा क्या, अगर आप चाहते हैं कि ट्रेवल इंश्योरेंस ले तो इस पर टिक लगा सकते हैं, अगर नहीं चाहते टिक हटा सकते हैं। आई एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह से पेज आएगा, यहाँ पे देखें लिखा अवेलेबल फ्री कैंसिलेशन है। आपको जब भी कैंसिल करेंगे तो आपको यहाँ पे देखें अप्रोच रिफंड कितना मिलेगा, वो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि 250 आपको अप्रोच रिफंड मिल जाएगा। अगर चाहिए तो यस, सर्विस चाहिए तो यस कर देना है। उसके बाद पेमेंट ऑप्शन यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, आपको कितना पेमेंट करना है यहाँ से आपको डिटेल दिख जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ट्रेन का डिटेल दिखाई देगा, बोर्डिंग पॉइंट यहाँ दिखाई देगा, टाइम यहाँ पे दिखाई देगा, टाइम डेट दिखाई देगा, यहाँ पे अमाउंट दिखाई देगा। यहाँ पे देखा आई बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो किस चीज़ का अमाउंट, आपको क्या क्या अमाउंट यहाँ पे लगा हुआ है, GST कितना है, कौन सा चार्ज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे अपने चार्ज देख ले क्या क्या चार्ज आपको लगा है यहाँ पे। और पेमेंट करने के लिए नीचे देखें पेमेंट ऑप्शन है, UPI द्वारा पेमेंट कर सकते हैं, आपके मोबाइल में जितने UPI है वो यहाँ पे शो होगा। नीचे देखें कार्ड द्वारा भी पेमेंट आप कर सकते हैं, अगर UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो UPI पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही UPI पे क्लिक करेंगे और जिस भी UPI को आपने सिलेक्ट किया है उस ऐप यहाँ पे, वो ऐप यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपको पेमेंट रिक्वेस्ट आ जाएगा। और आपको क्या करना है, इस UPI ऐप से आपको पेमेंट कर देना है। तो जैसे यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करेंगे और आपको क्या करना है, इसमें UPI पिन डालना है और जैसे पिन डाल के ओके करेंगे यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा और आपका पेमेंट यहाँ से सक्सेसफुल हो जाएगा। तो जैसे ही पेमेंट हो जाएगा ये डायरेक्ट आपको रिडायरेक्ट कर देगा उस मर्चेंट ऐप में, यानी इस ऐप में जहाँ से आप ट्रेन टिकट बुक कर रहे हैं। उसके थोड़ी देर बाद इस तरह से आएगा और आपका यहाँ पे अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, यानी कट जाएगा। अब जो आपका यूजर IRCTC का जो यूजर ID की जो पासवर्ड है वो यहाँ पे आपको डालना है। पासवर्ड यहाँ पे डालने के बाद नीचे देखिए कैप्चा कोड है, तो ये जो कैप्चा कोड आप देख रहे हैं इस कैप्चा कोड को यहाँ पे डालना है, डालने के बाद सबमिट करना है। तो जब भी आप ट्रेन टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको आपके पास एक यूजर ID होना चाहिए IRCTC का। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका जो ट्रेन टिकट है वो यहाँ पे बुक हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे मेरे कंफर्म टिकट की तरफ से मैसेज आ चुका है और मेरा ट्रेन यहाँ पे ट्रेन का जो टिकट है वो यहाँ पे बुक हो चुका है। और डाउनलोड टिकट का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके और यहाँ से आप अलाउ करेंगे तो आपका जो टिकट है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से आएगा, नीचे आपको क्या करना है सेव कर देना है। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे आपका टिकट यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। देख सकते हैं आप मेरा टिकट डाउनलोड हो चुका है, ये PDF में है। आप इसे प्रिंटआउट भी निकाल के अपने पास रख सकते हैं और ट्रेवल करते समय इसका यूज कर सकते हैं। और टिकट में यहाँ पर पूरा आपका डिटेल दिया हुआ है, यहाँ पे बोर्डिंग पॉइंट क्या है, ड्रॉपिंग पॉइंट क्या है, जर्नी डेट और टाइम, टोटल डिटेल यहाँ पे शो होगा। इस तरह से क्या करें आप अपने मोबाइल से ट्रेन टिकट बुक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर इसी तरह का वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं ऐसे भी देखना है तो बगल में देख सकते हैं जो दो लिंक है, इस पर क्लिक करके आप मेरे हर वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय हिंद।